स्वतंत्रता दिवस के साथ जन्माष्टमी के मौके पर स्कूलों में नन्हे मुन्ने बच्चों की चहल पहल मची हुई है। बच्चे कृष्ण जी के कपड़े पहनकर स्कूलों में प्रोग्राम करते दिख रहे तो कहीं झांकियां निकाली जा रही है। हर कोई बच्चों के ऐसे रूप को देखकर खुश है, लेकिन जब ऐसे मौके पर बॉलीवुड के मशहूर एक्टर के बेटे को नंदलाला के कपड़े में सोशल मीडिया पर देखा गया तो बवाल मच गया। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर अभिनेता के बेटे के कन्हैया बनने पर कौन बवाल कर सकता है, लेकिन इस अभिनेता के मुस्लिम होने पर हिंदू रीति रिवाज को लेकर लोगों ने हंगामा मचा दिया। दरअसल जन्माष्टमी पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बेटा स्कूल में नटखट नंदलाला बना था, जिस पर पिता ने अपने बेटे की नटखट रूप की फोटो पोस्ट कर दी, जिसके बाद हर किसी के होश उड़ गए। आप भी शायद नवाजुद्दीन के बेटे का ऐसा अवतार देखकर चौंक जाएंगे, क्योंकि आपने इससे पहले बहुत से हंसमुख बच्चों को कन्हा के रूप में देखा होगा। लेकिन इस बच्चे के जब लोगों ने कन्हा के रूप में देखा तो एक तरफ तो लोगों ने लाड़ प्यार करते हुए रिएक्शन दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने धर्म के प्रति पक्षपात करते बवाल मचा दिया। सोचने वाली बात भी है कि अभी तक आपने बहुत से बच्चों के जन्माष्टमी पर कान्हा के रूप में देखा, लेकिन किसी भी बच्चे के कान्हा का लिहाफ पहने पर ऐसा बवाल नहीं देखा होगा। और जब नवाजुद्दीन ने अपने बेटे की एक तस्वीर ट्विटर लोगों में शेयर की और कैप्शन में अपने बेटे को स्कूल को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि मेरा बेटे को नटखट नंदलाला की किरदार मिला है, नवाज के इन्हीं शब्दों ने धर्म को लेकर हला मचा दिया और चर्चा का विषय बन गया। नवाजुद्दीन को अपने बेटे की कृष्ण की वेशभूषा में फोटो शेयर करना इतना भारी पड़ गया कि एक के बाद एक विवादित कमेंट्स आना शुरू हो गए। किसी ने तो तारीफ की तो किसी ने कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ है। लोगों ने कहा कि उनकी आलोचना करते हुए फतवे के लिए तैयार रहे, तो किसी ने ये भी कहा कि हिंदुस्तान में आप सिर्फ तो है, कहीं ऐसा ना हो कुछ वक्त बाद आप भी अपनी जात पर आ जाओ। लोगों ने नवाज के बेटे के पोस्ट पर इस तरह के विवादित रिएक्शन दिए। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन का पहली बार नहीं बल्कि कई बार धर्म को लेकर सवालों के घेरे में आ चुके हैं। इससे पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी को रामलीला में किरदार निभाने से भी रोका गया था, तब उन्होंने उसका विरोध करते हुए कहा था कि मेरा बचपन का सपना अधूरा रह गया, लेकिन अगले साल के रामलीला में जरूर भाग लूंगा।